ये टॉपिक थोड़ा मैं लेट डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बीच में और भी इतनी चीजें आ गई थी। मैंने तालिबान पे बात की थी अपने इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, मगर उर्दू वाले पे बात नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी हम जरा टच करते हैं कि हो क्या रहा है, और अब जरा थोड़ा ज्यादा अपडेट आ गई, हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो आप सब लोगों को पता है कि अब कितने हफ्ते हो गए, आई थिंक 2 हफ्ते हो गए हैं कि तालिबान ने जो है वो टेक ओवर कर लिया है अफगानिस्तान में, क्योंकि यूएस ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली थी वहां से, और उनको चंद हफ्तों में ही उन्होंने बड़े जल्दी जल्दी उन्होंने बहुत जल्दी ही टेक ओवर किया। और जो सुनने में ये आ रहा था कि अफगान आर्मी जो है, क्योंकि बाइडेन जो था वो तो ये कह रहा था कि नहीं, अफगान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, 3 लाख सोल्जर्स हैं वहां पे, 300,000 तो वो कर लेंगे और ऐसा नहीं होगा, तालिबान टेक ओवर नहीं कर सकेंगे, ला 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 लैंड में रहता है वो भी, मुझे लगता है उनका मूत्र पीना शुरू हो गया। उन्होंने ये कहा और उसके बाद उनके मुंह पे चमार पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी टेक ओवर किया, और जो ये कह रहे थे ये 300,000 सोल्जर्स उनके थे, तो 300,000 सोल्जर्स ऐसे नहीं थे, ऐसे कुछ थे मेरे ख्याल से 50-60,000, 50-60,000 होंगे, इतने ज्यादा उनके सोल्जर्स थे भी नहीं, और जो थे भी उनको भी जो है तनख्वाहें तो मिल नहीं रही थी। अफगानिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हुकूमतें भी लाजवाब होती है ना, सारा वो बैठ के खप 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 करप्शन में खाते रहते हैं, दूसरों को तो कुछ देना ही नहीं है। तो भाई जिसको पैसा नहीं मिल रहा होगा वो क्यों अपनी कंट्री के लिए जाके कहे कि हाँ भैया मेरा गला जवा कर दो, तालिबान के आगे क्यों खड़ा होगा? और जो खड़े हो रहे थे, तो इस बार तालिबान ने क्या करा, थोड़े जरा आई गेस नई जनरेशन आ रही है ना तालिबान की, न्यू जनरेशन आजकल इनको कह रहे हैं तालिबान 2.0। तो उन्होंने उन लोगों से बात की कि भाई क्यों अपनी जान तूने देनी है ऐसे ऐसी हुकूमत के लिए, कि जिसका जो जहाँ का प्राइम मिनिस्टर वो तो भाग ही गया, ये सारे तो भाग गए, तुम लोगों की जान जाएगी तो तुम लोग इनके लिए क्यों मर रहे हो मिट रहे हो, ना तुम लोगों को खाने पीने को मिल रहा, ना तुम लोगों को पैसे मिल रहे, तो एक काम करो ये हम पैसे आपको देते हैं, आप जाओ अपने घर में राशन डालो, हमारे रास्ते से हट जाओ। तो भाई समझदार थे वो सोल्जर्स, मैं भी होती तो मैं भी यही करती कि हाँ भैया मेरे को पैसे दे दो, मैं क्यों अपनी जान दू ऐसे लोगों के लिए जो मेरी जान की परवाह नहीं करते। तो और गवर्नमेंट ने ये किया हुआ था कि उनको आलू भेज दिए थे, उन्होंने आलू भेजे थे इनको खाने के लिए कि काट काट के फ्रेंच फ्राइज बना के खाओ। इतना अनहेल्दी खाना, लाइक सोल्जर्स हैं आपके यार, सोल्जर्स हैं, उनको कुछ प्रोटीन दो, कुछ अच्छा ठोस खाने के लिए दो। लाइक सीरियसली मान लीजिए अगर आपको तालिबान 50 मिलियन डॉलर दें तो आप ज्वाइन करोगी तालिबान? हाँ 50 मिलियन के लिए तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगी, 50 मिलियन के तो आप भी ज्वाइन कर लोगे राकेश राज, 50 मिलियन के लिए तो ये सारे ज्वाइन कर लेंगे, मगर 50 मिलियन आने कहाँ से उनके पास, ये भी तो सोचो ना। ये बताओ वो है जब मुझसे लोग कहते हैं ना कि माली हमसे मिलो या हमसे बात करो या ये करो, तो मैं उनको ऐसा नंबर दे देती हूँ कि मुझे पता है उस बंदे ने आगे से हाँ करनी ही नहीं है। वो एक वो बात होती है, मैं कहती हूँ हाँ 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 जरूर जरूर मिलते हैं, $1,000 आप मेरे को दे दो सब मीट एंड ग्रीट के, वो वैसे ही चुप होकर बंदा बैठ जाता है क्योंकि मुझे पता है उसे देने ही नहीं $1,000, मगर मैं ना नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ हाँ ठीक है चलो देखते हैं ना, हमेशा टेस्ट द वॉटर्स। सो एनीवेज, सो स्टोरी ये हुई कि तालिबान ने वहां भी टेक ओवर किया, फिर वो आ गए काबुल पे, काबुल जैसे कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, जो कैपिटल है अफगानिस्तान का। सो एक बार इतने 1,000 रुपए में तुमको भाई चो तेरे को गाय नहीं भूप दिखाए, 1,000 रुपए में तूने मुझे अपनी माँ समझा भाई, इतनी सस्ते में 5 मिनट में हम खरीदेंगे। तालिबान ने जाके अफगानिस्तान सॉरी काबुल पे टेक ओवर किया, तो वहां पर तो खलबली मच गई क्योंकि अब ऑब्वियसली बहुत सारी एम्बेसीज वहां पर हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स वहां पे थे जो लोग ट्रांसलेट करते हैं, यू नो, तो दे वर ऑल देयर, और फिर इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गई। ऑब्वियसली हर मुल्क में से हर किसी ने अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि हम आपको ले जाते हैं, हम आपको ले जाते हैं। तो तब से लेकर अब तक अगर आपने देखा ही होगा, लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश चैनल पे दिखाया था कि लोग जो है वो किसी ना किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूएस के प्लेन भी वहां पे गए थे, लोग उन प्लेन के पंख यानी इंजन पे चले हुए थे, उनके जो विंग्स होते हैं, पंखे नहीं होते, विंग्स विंग्स को क्या कहेंगे, पर जो थे उस पे चढ़े हुए थे, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या यानी क्या सोच रहे थे कि जब वो हवा में जाएगा तो वो किस तरीके से वहां पे मेंटेन करेंगे अपने आप को, क्योंकि हवा वहां पे ऊपर ठंडी होती है, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव।
और ऑब्वियसली हमने ये भी सीन देखा, एक जो प्लेन टेक ऑफ किया था तो लोग गिर रहे थे उसमें से, फिर पता चला कि एक छोटा बच्चा था जो आई थिंक किसी टीम में स्पोर्ट्स टीम का बंदा था, वो बेचारा मर गया इसी वजह से, क्योंकि वो इसी तरह से निकलना चाह रहा था वहां से। मगर जो मैंने एक चीज देखी कि उन प्लेन्स में ज्यादातर मर्द दिख रहे थे जो जा रहे थे, यानी औरतें और बच्चे कहाँ थे, औरतें और बच्चे तो दिख ही नहीं रहे थे कहीं पे भी। सो आई डोंट नो कि ये कैसे मर्द थे जो अपनी औरतों और बच्चों को घर पे छोड़ दिया और खुद भाग निकले कि भाई हम अमेरिका जाएंगे, हम जहां भी जाएंगे। सो यूएस तो कर रहा है अपनी इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी है यूएस ने, मेरे ख्याल से यूके वालों ने भी की है, मगर कैनेडा वालों ने, इस पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है क्योंकि कैनेडा ने अब इवैक्यूएशन बंद कर दिया है, लाइक उन्होंने अपने लोगों को वहां छोड़ दिया है, विच इज वेरी हार्ड ब्रेकिंग। और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि ट्रूडो जो है वो तो सबसे आगे होता है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है ट्रूडो, वो तो सबसे पहले आगे आगे होता है क्या कहते हैं लोगों को रेफ्यूजीज लेने में। ही वॉज द अफगान नेशनल फुटबॉल टीम मेंबर, अच्छा हाँ, तो ये कह रहे हैं वो जो बंदा छोटा बच्चा जो था वो हमारा वो ये था। आगे चलते हैं टू कैनेडा। कैनेडा को नहीं ले रहा है, जो उन लोगों ने मेरे साथ इवैक्यूएट करवाया लोगों ने तो उन्हें उन्होंने कर लिया और उसके अलावा उसे नहीं किया। तो हम ऑब्वियसली जब हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चूतिया पे की हरकतें करता है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं और हम उसको कहते हैं कि आपने ये सही काम नहीं किया, नगेंद्र गांडे जी, समझ में आई ना। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, हम उनको क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। एंड यहाँ पर बहुत लोगों ने शोर मचाया कि आप अपने लोगों को किस तरह आप छोड़ सकते हो। तो अभी आई डोंट नो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर इतनी ही देर में हमको ये पता चल गया कि एक जो हम लोगों को पता था कि तालिबान आ गए हैं तो अब दोबारा से वही सुसाइड अटैक, सुसाइड बॉम्बर्स, वही चीजें दोबारा दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। इसी दौरान मुहर्रम चल रहा था पाकिस्तान में तो एक इमाम बारगाह में एक बम फटा वहां पर। मुहर्रम तो मुहर्रम होगा ही नहीं ना जब तक इमाम बारगाह में या कहीं पाकिस्तान में बम नहीं फटेगा, वो तो मुहर्रम हो ही नहीं सकता। आज तक कोई ऐसा मुहर्रम गुजरा है जहां पे बीच में कोई पटाखा नहीं, आई मीन बम नहीं फटा हो ऑफकोर्स। सो वो हुआ, फिर उसके बाद अभी कल या परसों की न्यूज है कि एयरपोर्ट पे भी एक बम ब्लास्ट, सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ है, विच वॉज गुड हैपन, होना ही था। सबसे सॉफ्ट टारगेट वहां पर है, सबसे ज्यादा भीड़ वहां पे लगी हुई है, वहां पे यूएस सोल्जर्स आए हुए हैं, वहां पे दूसरे लोग आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली किसी को अगर कुछ करना भी होगा तो वो वहीं पे करेगा। हाय अमित, हाउ आर यू? सो दैट्स that was about to happen. तो ये हुआ है, उसमें मुझे सुनने में आ रहा है कि आई थिंक 13 लोग मरे हैं, आई एम नॉट 100% श्योर, मैंने थोड़ी सी उसके बारे में न्यूज देखी थी, मुझसे नहीं देखी जाती हैं चीजें, आई स्वेयर टू गॉड, मैं देखती हूँ मेरा दिमाग जो है ना बड़ा वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाता है मेरा, वैसे ही कल का दिन बहुत बुरा गुजरा है, वेरी डिप्रेस्ड है। सो मैं अब क्या किया जाए, मैं ये समझती हूँ कि यूएस जो वहां से निकला है 20 साल बाद वो कुछ ना कुछ सोच के जरूर निकला है। यूएस ऐसी कदम नहीं उठा लेता है, यूएस वाले जो है वो ऐसी कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई मसले जरूर होगी। क्या इन लोगों ने उनके साथ डील की है, क्या नहीं हुआ है, आई डोंट नो। मुझे तो ये लगता है, ये मेरी थिंकिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ शायद सही भी हो सकती हूँ, आई डोंट नो, आपको इस पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यूएस की पाकिस्तान से नहीं बन रही है, यूएस की चाइना से नहीं बन रही है, तो पाकिस्तान और अफगानी जो है वो तो वैसे ही पाकिस्तानियों को नहीं पसंद करते हैं। आई टेल यू स्ट्रेट अप, सो आई थिंक यूएस शायद इन तालिबान को यूज करे पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट, शायद, आई डोंट नो, दैट्स व्हाट जस्ट मैं सोच रही हूँ, यू नो, थिंकिंग आउट लाउड। सो आई डोंट नो कि क्या होगा, लोग कह रहे हैं कि इस दफा उन लोगों ने इतनी खूनमखार नहीं किया है, ये जरा डेवलप्ड तालिबान आए हैं, ये लोगों को नहीं मार रहे हैं, ये औरतों को भी नहीं मार रहे हैं, उन्होंने कहने में यही आया कि नहीं औरतें जो है वो अपने स्कूल भी जा सकती हैं, यूनिवर्सिटीज जा सकती हैं, अपने काम पर जा सकती हैं, बट हू नोस कब तक जा सकेंगी कब तक नहीं जा सकेंगी, वी विल सी। मगर मीनवाइल जब ये सारा चक्कर चल रहा था और यूएस चला गया था वहां से, मान लीजिए 30 अगस्त से पहले यूएस को निकालने को बोला है तालिबान ने, हाँ उन लोगों ने एक उनको टाइम लिमिट दिया कि इस टाइम तक आप लोग यहाँ से निकल जाओ, लेट्स सी क्या होता है। जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत बैकलैश आ रहा है वहां पे बाइडेन को भी बहुत बैकलैश आ रहा है, मेरे ख्याल से कल ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे कि बाइडेन को रिजाइन कर देना चाहिए। आई डोंट नो, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, जिस तरीके से इन लोगों ने एकदम से अब्रप्टली वहां से उठ के चले गए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, यानी 20 साल वहां रहने का फायदा क्या हुआ, आपने उस 20 साल में इतने लोगों की जाने गई, कितने यूएस सोल्जर्स की जाने गई, कितने मासूम लोगों की फैमिलीज आपने तबाह और बर्बाद कर दी थी, और किस लिए? बैक टू पॉइंट वन,
वहीं पे आगे खड़े हो गए जहां पर आप पहले थे, वही तालिबान के हाथ में आप सब कुछ देकर आ गए। और अपने इन लोगों ने अपना कोई वहां से असलाह जो होता है, गन्स वगैरह, जितनी भी मिलिट्री की कार्स वगैरह थी, टैंक्स और ये सारी चीजें, वो सब छोड़कर आ गए वहां पर। यानी बेसिकली इन्होंने खुद ही दे दिया कि ये लो सारी चीजें, तुम लोग कंट्रोल करो। ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ये जानबूझ के ये चाहते थे कि ये लोग टेक ओवर करें। एंड यूएस बहुत स्मार्ट है, यूएस इज वेरी स्मार्ट। वो अपने फायदे के बिना कोई भी चीज नहीं करता है। जब ये शुरू हुआ, जब तालिबान का टेक ओवर शुरू हुआ, तो हमारे पाकिस्तान, हाय खुदा सलामत रखे ना हमारे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी भाइयों को, वहां पे ट्रेंड चलना शुरू हो गया तालिबान के सपोर्ट में। सपोर्ट में आई मीन क्या बोले बस बंदा। हालांकि ये कभी चाहेंगे नहीं, वही छोटे छोटे चुत्तर से जो होते हैं ना बंदे, 20-20 साल की यंग जनरेशन है पाकिस्तान में, सबको सारे सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को। तो मैं तो कहती हूँ इन सबको शिफ्ट कर दो अफगानिस्तान, आपको क्यों रहना है पाकिस्तान में? या वो चाह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान को भी तालिबान की तरह ही, यानी अफगानिस्तान की तरह बना दिया जाए? चाहते ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही तालिबान वहां आए ना, तो इनका इंटरनेट, सबसे पहले तो इंटरनेट, मूवीज, पॉर्न मूवीज बंद हो जाएंगी। भाई तुम लोग तो मर जाओगे, तुम लोग तो मर जाओगे, इंटरनेट और पॉर्न मूवीज बंद करवा दी पाकिस्तानियों, तो तुम लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि ओ इस्लाम आ गया, इस्लाम का शरीयत आ गया, तालिबान ने खिलाफत दोबारा से खड़ी कर दी है, बस इनको खिलाफत के ख्वाब दिखा दो और इनकी गांठ ठोक दो। और ये मजे से कहेंगे हाँ प्लीज ये लीजिए हमारी गांठ, आप ठोकी जितने मजे, तेल भी मत लगाओ, ऐसी ठोक दो। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का हाल है। सो एनीवेज पाकिस्तान में ये चक्कर चल रहा है, और काफी इंडिया तो आपको बैठा है ना, इंडिया तो बैठा है प्रोपोगंडा करने के लिए, इंडिया तो बैठा है जो पाकिस्तानी सपोर्ट करें उनके तो चैनल पे धड़ा धड़ा ढड़ो ढड़ो म्यूजिक चला चला के सस्पेंस क्रिएट कर करके दिखाया जा रहा था, करते रहो। ऑब्वियसली इंडिया को मौका चाहिए तो वो कर रहे थे, फिर पाकिस्तान और इंडिया का तो वो ऐसे बहन भाई हैं कि बस लड़ लड़के बस मरे जा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, पॉइंट आउट करते रहेंगे एक दूसरे को, तुम्हारे पास ये होता है, तुम्हारे पास ये होता है, तुम्हारे यहाँ पे ये होता है, तुम्हारे वहां पे वो होता है। होता दोनों ही जगह पे है, दोनों ही मुल्क जो है ना बर्बाद हुए जा रहे हैं ये एक्सट्रीमिस्ट के हाथों। और जो बेचारे पिस रहे हैं ना, वो हैं जो नॉर्मल लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमको अपने हाल पे छोड़ दो, हमको जीने दो, बस हमको जीने दो, हमें काम करना है, हमें अपनी लाइफ से हुआ है, लेट अस लिव। मगर ना, नो, ऐसे कैसे हो सकता है? सो पाकिस्तान में जो पार्टी है एक टीपीटी, जो यहाँ पे गंडे जी बार बार बोले जा रहे हैं, क्योंकि गंडे जी की जो है ना गांड में सब उंगली हो रही है बहुत जबरदस्त। सो उन्होंने ये वो लोग जो है ऑब्वियसली वो तो सपोर्ट करते हैं तहरीक लबैक जो है, वो भी मौलवी क्लास है, आई डोंट नो कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, मगर उनकी भी आइडियोलॉजी को इतनी दूर नहीं है इनसे, दे आर ऑलमोस्ट द सेम ना। तो पाकिस्तान में मौलवी भी खुश, क्योंकि देखो ये जो तालिबान चीज लेकर आ रहे हैं ना, ये है शरिया लॉ, दिस इज शरिया लॉ। अगर आपके जो अपोलोजिस्ट हो, जो मुसलमान मॉडरेट मुसलमान हो, या जैसे यहाँ पर होते हैं ना मुसलमान कैनेडा में, तो वो लोग सब बोले ना 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 दिस इज शरिया लॉ, आप जो शरिया लॉ हमको दिखा रहे होते हैं ना, वो शरिया लॉ है नहीं, ये है आपका शरीयत। ये क्या आप चाहते हैं कि ये शरीयत पूरे मुल्क में, यानी पूरी दुनिया पे आ जाए? नहीं ना, क्योंकि आप ही सबसे पहले भागोगे। आप लोगों में से जो जितने ज्यादातर मुसलमान है ना, उनको शरिया के अंडर रहना ही नहीं है, मगर शरिया को सपोर्ट जरूर करना है उन्होंने। जैसे कि इंग्लैंड में जब वोट करवाया था, या इन लोगों ने कोई सर्वे किया था, तो उसमें ज्यादातर मुसलमानों ने कहा था हाँ वी सपोर्ट शरिया। तो इनको भाईचारों को तो पता ही नहीं है ना कि शरिया है क्या, जब इनकी गाने ठुकेंगे ना तालिबान की तरह, फिर इनको पता चलेगा कि शरीयत होती क्या है। मगर रहना किसी ने नहीं है शरिया के उसमें, मगर चाहिए सबको शरीयत है, क्योंकि सबको ये दिखाना है कि हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, हम सबसे ज्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो ये इस्लाम और शरिया जो है ना, जिन जिनको मैं कहती हूँ, जिन जिनको बहुत ही प्यार है ना, उनको उठाओ, उठा के भेज दो अफगानिस्तान। अगर मैं यहाँ की प्राइम मिनिस्टर होती तो मैंने तो यही करना था, सारे इंटरनेट में मैं छानती, क्योंकि यहाँ भी मिसेस आगा में लोग बैठे हैं और कह रहे हैं तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों की गांडे उठानी थी मैंने, और मैंने वो जो एयरप्लेन वहां पे दूसरों को रेस्क्यू करने जा रहे हैं ना, उस पर बिठानी थी और कहना था जाओ तुम वहां पे जाओ, और हमारे जो अच्छे लोग हैं ना उनको यहाँ ले आओ, स्पेशली औरतों और बच्चों को, क्योंकि आप लोग जो है ना वहीं पे सही रहोगे। तो ये होती है मुनाफिकत, कि आपने दूसरों पे जो है वो अपना थोपना है, और खुद जब आपकी बारी आती है तो वहां पर आपको शरीयत नहीं चाहिए, वहां पर आपको खुल्ला डुल्ला माहौल चाहिए, जैसे कि कनाडा में, यूएस में, वेस्ट में है, जहां आप अपनी मर्जी से जी सको, ठीक है। तो ये मुनाफिकत जो है ना मुसलमानों को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जिस तरीके से माहौल होता जा रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस्लाम एक्सपोज हो रहा है ना, इस्लाम को तो ऐसा एक्सपोज कर दिया कि उस बेचारे को तो चड्डी भी नहीं है अब,
चड्डी भी उतर गई है इस्लाम की। पहले तो हमने उसकी शलवार उतारी, कमीज उतारी, फिर अब तो हमने हमने सब कुछ उतार दिया उसका ना। तो अब आप हो गए बिल्कुल फुल्ली एक्सपोज, नंगे। अब आप इसको किस तरह छुपाओगे? आप नहीं छुपा सकते। आप इसको जितना भी शुगर कोट करो, जितना मेकअप लगाओ, जितना उस पर प्लास्टिक सर्जरी करवाओ, जो भी करवाओ, मिठाइयां बांट के, तो बड़ा स्वीट रिलीजन है, ना 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 ना, यू आर नॉट फूलिंग एनीवन। ये अब सबके सामने आ गया है, सबको दिख रहा है। और अभी एक्चुअली यहाँ पे काफी सारे अफगानी आए भी हैं, क्योंकि आई नो मेरी एक फ्रेंड है जो अफगानिस्तान से है, और अभी वो फंड रेजर उन लोगों के लिए कर रही थी, कपड़े वगैरह चाहिए थे। तो लोग जो हैं यहाँ पर, कनाडा के जो लोग हैं, वो वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं। जब सीरियन रेफ्यूजीज भी आए थे, तो यहाँ पर फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिविजुअली सीरियन फैमिलीज को स्पॉन्सर किया हुआ था, और उनको घरों पे बिठाया है, उनके लिए खाने पीने हर चीज की जो है सहूलत फराहम की थी, अपने पैसे लगाकर, गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, अपने पैसे लगाए थे उन्होंने, स्पॉन्सर किया था उनको। तो इसी तरह से अभी जो अफगानीज भी यहाँ आए हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, और जो बाकी जो लोग हैं ना, वो भी यहाँ पे फंड रेजिंग करते हैं, वो भी यहाँ पर चीजें इकट्ठी करते हैं लोगों से कि भाई इन लोगों की मदद की जाए, उनको स्टार्टअप कैसे दिया जाए। तो ये डिफरेंस है हमारे मुल्कों में और दूसरे मुल्कों में। सो आई डोंट नो, बस आई थिंक अफगानिस्तान पे बस मैं इतना ही डिस्कस कर सकती हूँ कि अभी हमको नहीं पता कि आगे क्या होना है, किस तरफ की जो कहते हैं ना ऊंट करवट लेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, क्या नहीं होगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ही हमको दिखेगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सुनने में तो आया है कि हाँ लोगों को मारा पीटा है, अब न्यूज भी तो वहां पे सही नहीं आएगी ना। अब न्यूज भी उनकी कंट्रोल्ड है, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे CNN और ये सारे लोग घूम रहे हैं। मगर एक रिपोर्टर थी एक्चुअली CNN की ही थी, जो एक दिन पहले दिखाया है तो वो बगैर हिजाब की थी, नेक्स्ट डे दिखाया तो वो हिजाब पहनी हुई थी बंदी, तालिबान टेक ओवर के बाद। सो दैट इज इट। सबसे ज्यादा ये चीज जो अफेक्ट करेगी मेरा जो दिल है ना, जो दुखता है सबसे ज्यादा, वो दुखता है लड़कियों, औरतों के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। और बच्चियां, यानी लड़कियां जो है, बच्चियां, लड़के जो है ना, वो फिर भी जो है उनको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लीवे मिल जाता है उनको, मगर फिर भी लड़कियां जो हैं, दे आर गोइंग टू कम अंडर अटैक बिग टाइम। ओके, अगर आप वंडर कर रहे हो कि मैं क्या लगा रही हूँ, तो ये फेंटी ब्यूटी का ये प्राइमर है, तो ये मैं प्राइमर लगा रही हूँ इससे पहले कि मैं अपने मुंह पे जो है पेंट करूँ। इससे जो है ना आपका फाउंडेशन अच्छे तरीके से मुंह पे चिपक जाता है। वेरी सैड सिचुएशन, इट इज इंडीड अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। और हम जस्ट होप ही कर सकते हैं कि जो तालिबान है वो थोड़ा बेहतर हो। आई डोंट नो कितना बेहतर हो सकते हैं यार, सीरियसली हमको नहीं पता है कितना बेहतर हो सकते हैं।